वेलकम टू छाया सिंह की रसोई। आज मैं लौकी का हलवा बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए एक लौकी लिया हुआ है, 10 पीस काजू के हैं, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 2 चम्मच देसी घी, 10 पीस बादाम के कट करके लिए हैं, नारियल पाउडर, 1 बाउल मिल्क, 50 ग्राम शुगर, 10 पिस्ता कट करके लिया है एंड इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने पैन को लो फ्लेम पे रखा है, अभी इसमें घी ऐड कर रहे हैं। लौकी मैंने छील लिया है और धुल लिया है, अभी इसको हम फटाफट कद्दूकस कर लेते हैं। पतले पे ही आपको घिसना है। तो केयरफुली आपको घिसना है, हाथ में नहीं लगे ऐसे। ये देखिए सारे कद्दूकस हो गए लौकी। अभी चलिए इनको घी में ऐड करते हैं। घी भी देखिए अच्छे से गर्म हो गया है, अभी ये लौकी को इसमें डाल देंगे हम। अभी फ्लेम को मैं बढ़ा रही हूँ और इसको 2 से 3 मिनट तक घी के साथ भूनेंगे। 3 मिनट मैंने घी के साथ भून लिया है लौकी को और अभी इसमें मिल्क ऐड करेंगे और इसको पकाएंगे हम 3 से 4 मिनट तक ढक के। 3 मिनट हो गया है, देखिए 3 मिनट मैंने घी के साथ भुना था और 3 मिनट दूध के साथ पका लिया है। लौकी लगभग पक चुकी है, अभी इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। शुगर अगर ज़्यादा खाते हैं तो और आप डाल सकते हैं, इतना वैसे परफेक्ट होता है। एंड अभी ये नारियल पाउडर इसमें ऐड करेंगे। आपके पास नारियल पाउडर नहीं है तो नारियल को ग्रेट करके भी आप डाल सकते हैं। एंड मिल्क पाउडर, इनको अच्छे से हम मिक्स करते जाएंगे। कद्दूकस किया हुआ रहता है लौकी ना, तो फटाफट पक जाता है। 10 मिनट में लगभग लौकी का हलवा बनके रेडी हो जाता है। आपके पास अगर मावा है तो मावा डाल लीजिए, नहीं मिल्क पाउडर से भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप दूध की मात्रा बढ़ा लीजिए, जितना मैंने डाला था आप उसका डबल डाल दीजिए। एंड अभी बादाम, थोड़े काजू, थोड़े पिस्टेचू एंड कार्डिमोन पाउडर। अभी हाई फ्लेम पे ही अच्छे से इसको हम पका लेंगे। अभी इसमें थोड़ा पानी दिख रहा है, देखिए कितना बनाना आसान है लौकी का हलवा। आप भी इसको बनाने का ट्राई करिएगा, वेरी हेल्दी वेरी टेस्टी। और अगर ये आपको ग्रीनिश दिखना है ग्रीन, तो इसमें आप ग्रीन कलर ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें फूड कलर नहीं ऐड कर रही हूँ, ऐसे ही बना रही हूँ। हलवा रेडी हो गया है, अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और सर्विंग बाउल में इसको निकाल लेते हैं। थोड़ा इसको हम गार्निश कर लेते हैं। ये मैं इलायची पाउडर थोड़ा इसमें डाल रही हूँ, थोड़ा पकाते समय डाला था। बादाम, काजू एंड पिस्टेचू। फिर मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।